नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 और मैं हूं आपके साथ बिलाल मलिक। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे स्वदेश में बने पहले लड़ाकू विमान तेजस में। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने गुरुवार को उड़ान भरी और बेंगलुरु में एरो इंडिया 2019 के मौके पर ही आर्मी चीफ ने इस पर संक्षिप्त उड़ान भर देशी लड़ाकू विमान निरीक्षण किया और इस लड़ाकू विमान को भारत की सरकारी हथियार निर्माता कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने तैयार किया है। और फाइटर जेट में उड़ान से पहले जनरल बिपिन रावत ने मौके पर मौजूद अधिकारियों और सारे दर्शकों का हवा में हाथ लहराकर अभिवादन किया। और इससे पहले बुधवार को भी तेजस और साथ ही मिलिट्री एविएशन रेगुलेटर से भी फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस से मिला था और अब इस लड़ाकू विमान को वायुसेना के बेड़े में शामिल किया जाए और इसे यहाँ पर क्लियरेंस और सर्टिफिकेट से वायुसेना प्रमुख भी आपको बता दें कि BS धनोआ को भी बुधवार को एयर इंडिया शो में सौंपा गया था। और पुलवामा हमले को लेकर कांग्रेस ने सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ही हमला बोला है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने दावा किया है कि जिस वक्त देश पुलवामा में हुई जवानों की शहादत का गम मना रहा था और उसी वक्त प्रधानमंत्री अपने प्रचार की फिल्म के यहाँ पर शूटिंग में बिजी थे और कांग्रेस की ओर से आरोप लगाया गया है कि जब देश शहीदों के शवों के टुकड़े चुन रहा था प्रधानमंत्री मोदी नौका विहार कर रहे थे। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि संकट की इस घड़ी में कांग्रेस और पूरा देश सेना और शहीदों के साथ खड़ा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 27 फरवरी को अमेठी दौरा रद्द हो गया है और अब पीएम मोदी यहां पर 3 मार्च को अमेठी आएंगे और दौरे पर ही प्रधानमंत्री का मुंशीगंज स्थित ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में AK-103 असॉल्ट राइफल की नई यूनिट का शुभारंभ कर जनसभा को संबोधित करेंगे और संगठन स्तर पर भी इसकी पुष्टि होने के बाद पार्टी में जनसभा को सफल बनाने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिवसीय दौरे पर 3 मार्च को यहां पर पहुंचेंगे और पहले उनकी अमेठी दौरे के लिए 27 फरवरी की तारीख तय की गई थी और बताया जा रहा था कि प्रधानमंत्री मुंशीगंज स्थित अयोध्य निर्माण परियोजना का यहाँ पर 2147 की तीसरी पीढ़ी की अत्याधुनिक AK-103 असोल्ट राइफल की नई यूनिट का शुभारंभ करेंगे। और बीजेपी के बाद अब यहां पर कांग्रेस ने भी तमिलनाडु में बड़ी पार्टी से गठबंधन कर लिया और कांग्रेस यहां पर DMK के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ेंगी और समझौते के तहत DMK ने तमिलनाडु में कांग्रेस को 9 और साथ ही पुडुचेरी में 1 सीट यहां पर दी है और DMK अध्यक्ष MK स्टालिन ने यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। तमिलनाडु में 39 लोकसभा सीटें हैं और इस लिहाज से कांग्रेस के लिए यह यहां पर गठबंधन बेहद अहम है और बीजेपी पहले नादरमुख और साथ ही PMK के साथ अलायंस कर यहाँ पर ऐलान कर चुकी है और मंगलवार को DMK के यहाँ पर चीर प्रतिनिधिमंडली नादरमुख ने भी बीजेपी और PMK के साथ समझौता का ऐलान किया था और आपको बता दें कि PMK को यहाँ पर कुल 39 सीटों में से 7 सीटें दी गई हैं और विधानसभा उपचुनाव में 21 सीटों पर समर्थन के बदले PMK को 7 सीटें मिली हैं। और यूपी में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के भी घर पर देर रात बड़ी बैठक हुई है और 2 घंटे तक चली बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दिनेश शर्मा भी वहां पर मौजूद रहे और आपको बता दें कि बाद में केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल और साथ ही हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर भी शामिल हुए हैं और जिसमें बीजेपी की यूपी इकाई की रिपोर्ट पर ही लंबी चर्चा हुई और इस रिपोर्ट में यहाँ पर 29 सांसदों के टिकट काटने की सिफारिश यहाँ पर की गई है और पार्टी सूत्रों का कहना है कि सर्वे के आधार पर ही यहाँ पर यह प्रस्ताव रखा गया है और बीजेपी के 2 सांसदों ने इस बार लोकसभा चुनाव ना लड़ने की इच्छा जाहिर की है और वहीं कई ऐसे भी सांसद हैं जिनका रिपोर्ट कार्ड खराब रहा है
और उनके बदले की किसी और साथ ही यहां पर चुनाव लड़ाने की कोशिश की जा रही है। ओडिशा के दौरे से लौटे योगी आदित्यनाथ को बीजेपी अध्यक्ष की ओर से दिल्ली में बुला लिया गया था और जिन सांसदों के टिकट काटे जा सकते हैं उनके नाम का खुलासा इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि यहां पर वे अपनी टिकट बचाने के लिए दिल्ली का चक्कर ना लगाने लगे। दो लोकसभा चुनाव के लिए शुभ साबित हुई गोरखपुर में पीएम मोदी 2019 का चुनावी बिगुल बजाएंगे और पीएम मोदी की यहां पर फर्टिलाइजर में भी होने वाली रैली के लिए शीर्ष नेतृत्व के लोग यहां पर हफ्तों से ही तैयारियां कर रहे हैं और रैली को सफल बनाने के लिए हर विधायक को भी भीड़ जुटाने की जिम्मेदारी दी गई है। दरअसल 23 और 24 फरवरी को गोरखपुर में बीजेपी किसान मोर्चा का राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया जा रहा है और इस अधिवेशन का उद्घाटन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह करेंगे और साथ ही पीएम मोदी भी 24 फरवरी को इस यहाँ पर अधिवेशन में और समापन के दौरान वह यहाँ पर शामिल होंगे। और आपको बता दें कि अधिवेशन के आखिरी दिन पीएम मोदी की यहाँ पर एक रैली भी होगी। और जहाँ हम लोग खड़े हैं यहाँ रैली भी है, माननीय मोदी जी यहाँ संबोधित करेंगे। मेरा अनुमान है रैली में कम से कम 2-2.5 लाख 3 लाख की संख्या हो सकती है। मोर्चे का राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है और जहां हम लोग खड़े हैं यहां रैली भी है, माननीय मोदी जी यहां संबोधित करेंगे। तो मेरा अनुमान है रैली में कम से कम 2-2.5 लाख 3 लाख की संख्या हो सकती है। और तमाम जानकारी के लिए सुनील कुमार हमारे संवाददाता गोरखपुर से फोन लाइन पर जुड़े हैं। सुनील, 23 और 24 फरवरी को यहाँ पर 2 दिवसीय अधिवेशन का आयोजन किया जा रहा है जिसमें पीएम मोदी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर शामिल होंगे, क्या कुछ पूरा कार्यक्रम रहेगा? सुनील, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? अधिवेशन के समापन पर पीएम मोदी भी यहां पर एक रैली को संबोधित करेंगे। 23 और 24 फरवरी को एक अधिवेशन का आयोजन यहां पर किया जा रहा है और इस अधिवेशन में काफी संख्या में कार्यकर्ता शामिल होंगे और इस पूरे कार्यक्रम को लेकर तैयारियां यहां पर तेज कर दी गई हैं और बताया जा रहा है कि काफी संख्या में यहां पर कार्यकर्ता आएंगे और अधिवेशन के समापन के दौरान पीएम मोदी भी रैली को संबोधित करेंगे। और तमाम जानकारी के लिए सुनील कुमार हमारे संवाददाता गोरखपुर से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुनील, 2 दिवसीय यहां पर अधिवेशन का आयोजन किया जा रहा है 24 और 23 तारीख को यहां पर होगा जिसमें पीएम मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल होंगे, क्या कुछ पूरा कार्यक्रम रहेगा? मुख्य कार्यक्रम में एम्स का उद्घाटन, जो गोरखपुर में एम्स बन रहा था उसकी ओपीडी का उद्घाटन है जी। साथ में पूर्वांचल के कई किसानों से संबंधित जो भी परियोजनाएं हैं उनका उद्घाटन करना है। कई नई ट्रेनें चले हैं जो पूर्वांचल को जनता देंगे गोरखपुर में दिल्ली के लिए। और सबसे बड़ी बात है गोरखपुर में जो सबसे बड़ी समस्या थी गैस की, तो गोरखपुर में अब गैस पाइपलाइन के थ्रू पूरे शहर में सप्लाई किया गया है, यही मुख्य उद्देश्य है। इसके साथ से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का मुख्य उद्देश्य है कि पूर्वांचल की जनता में जो है नया उत्साह भरना, ताकि जिस तरह गोरखपुर सिटी में जो चुनाव हार गए थे इस बार वो कमी ऐसी न रह पाए। सुनील, क्या ये माना जाए कि यहाँ पर जब उपचुनाव हुए थे और बीजेपी को हार का मुख देखना पड़ा था और अभी जो यहाँ पर पीएम मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, रैली को संबोधित करेंगे पीएम मोदी, और कितना खास 2019 के लोकसभा के चुनाव को और यहाँ पर ये कार्यक्रम देखा जा रहा है? एक्चुअली जब से बीजेपी जब जनसंघ थी तो पहला खाता गोरखपुर था। 1958 के बाद पहली बार बीजेपी गोरखपुर में आ रही थी, इसीलिए बीजेपी का सबसे मजबूत किला गोरखपुर माना जाता था। लेकिन इस उपचुनाव में बीजेपी में हालत खराब कर दी है और सारे पदाधिकारी इस बार सोचने मजबूर हो गए हैं कि गोरखपुर सीट कैसे हार गई, इसीलिए इस कार्यक्रम को रखा गया। इसमें अमित शाह, नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ महाराज सभी लोग मौजूद रहेंगे यहाँ। शुक्रिया आपका सुनील हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो 2 दिवसीय यहाँ पर बीजेपी किसान मोर्चा अधिवेशन का आयोजन हो रहा है और आपको बता दें कि यहाँ पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और 2019 के चुनाव को लेकर भी ये काफी अहम कार्यक्रम माना जा रहा है।
और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मुजफ्फरनगर में कई योजनाओं का शिलान्यास करने के लिए आ रहे हैं। और आपको बता दें यहाँ पर कि अभी तक जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री के आगमन की पुष्टि नहीं की है। और वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और साथ ही सुरेश राणा गन्ना मंत्री मुजफ्फरनगर, और साथ ही आपको बता दें कि राजकीय मैदान पहुंचेंगे और यहाँ पर वो लगभग 4700 करोड़ रुपए की योजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे। और उसके बाद पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों को भी श्रद्धांजलि दी जाएगी। मुजफ्फरनगर पहुंचे गए नितिन गडकरी, आपको बता दें कि 4700 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी यहां पर पहुंचेंगे। बड़ी सौगात यहां पर मुजफ्फरनगर की जनता को दी जाएगी और कार्यक्रम को लेकर पूरी तैयारियां यहां पर की जा रही हैं। लेकिन अब तक इस पूरे कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से औपचारिक ऐलान नहीं किया गया। हालांकि यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री के इस कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जो है वो की जा रही हैं और इन तैयारियों को भी पूरा करने को लेकर लगातार यहां पर कार्यकर्ता जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो जुटे हुए हैं। साथ ही आपको बता दें कि यहां पर कई सौगात जो है मुजफ्फरनगर की जनता को दी जाएगी। बताया जा रहा है कि 4700 करोड़ रुपए की योजनाओं का यहां पर शिलान्यास किया जाएगा और 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले यहां पर भी जो है इन योजनाओं का भी काफ़ी अहम माना जा रहा है कि जिस तरह से लगातार मुजफ्फरनगर में यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पहुँचेंगे और यहाँ पर जो है कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे और 4700 करोड़ रुपए की योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। लेकिन जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री के इस कार्यक्रम को लेकर तैयारियां तेज की जा रही हैं और सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े बंदोबस्त करने के दावे किए जा रहे हैं और यही कारण है कि यहाँ पर जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद रहे और कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर भी बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था और साथ ही कार्य जो है उन तमाम तैयारियों को पूरा करने में जुटे हुए हैं। और अमित कुमार हमारे संवाददाता मुजफ्फरनगर से तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अमित, यहाँ पर जो है सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री पहुंचेंगे, क्या कुछ पूरा कार्यक्रम रहेगा? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं मुजफ्फरनगर में करोड़ों की सौगात देने के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री का मुजफ्फरनगर आज आगमन था। लेकिन योगी के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ का प्रोग्राम अभी जिला प्रशासन की अधिकारियों ने पुष्टि नहीं की कि वे आएंगे या नहीं, इसलिए अभी यह माना जा रहा है कि इस प्रोग्राम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आना मुश्किल है। अब यह प्रोग्राम केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सुरेश राणा गन्ना मंत्री ही इस प्रोग्राम को संबोधित करेंगे और यहाँ पर शिलान्यास करेंगे और साथ ही साथ पुलवामा आतंकी हमले में शहीद जवान हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देंगे। शुक्रिया आपका अमित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और उत्तर प्रदेश के गोंडा में भी यहाँ पर कुकनगर ग्रांट के पटेल नगर चौराहे पर ही स्थित लोहा पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री यहाँ पर आपको राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने किया और अपना दल के जिलाध्यक्ष शिव प्रसाद पटेल की अध्यक्षता में ही आयोजित जनसभा को भी संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि सरदार पटेल ने अपने नेतृत्व में क्षमता के बल पर 565 देशी रियासतों को भी जोड़कर अखंड भारत का निर्माण किया। सरदार पटेल की नीतियों को अगर यहाँ पर कांग्रेस सरकार अमल में लाई होती तो आज कश्मीर की समस्या ना होती। और बिहार में आतंक का पर्याय बन चुके मलखान सिंह भले ही अपनी बंदूक छोड़ चुके हों लेकिन पुलवामा आतंकी हमले को लेकर उनका खून खोल रहा है। उन्होंने दावा किया है कि मध्य प्रदेश में 700 बागी बचे हैं और अगर सरकार उन्हें इजाजत दे तो वे अपनी जान पर खेलकर आतंकवादियों से लड़ने को तैयार हैं और इसके लिए भी यहाँ पर उन्होंने कोई वेतन भी नहीं चाहिए। और वहीं पूर्व दस्यू सरगना मलखान सिंह ने अपने बारे में बताते हुए कहा है कि उन्होंने साल 1982 में ही एमपी के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के समय ही आत्मसमर्पण किया था।
एमपी में 700 बागी बचे हैं। आज अगर मेरी जरूरत पड़े, शासन चाहे तो बिना शर्त बिना वेतन के लिखा लिया जाए कि मारे जाए तो कोई जुर्म नहीं, और मैं बॉर्डर पे अपने देश के लिए मरने को तैयार हैं। बचा हुआ जीवन हम अपने लगाने को तैयार हैं। अगर कोई पीछे हट जाए तो मलखान सिंह नहीं, वो तो वक्त बताएगा। कोई अनाड़ी नहीं है, मलखान सिंह कोई कथा नहीं, वंचित रहे 15 साल चंबल घाटी पे, वो तो जो होगा सो फैसला होगा, अकेले पीछे नहीं हटेगा। स्कीम बहुत मलखान सिंह की टॉप रहेगी और कायम रहेगी, वो हो सकता कि बाल मां का भी नहीं होगा, ये मां की कृपा रहेगी। हम चाहते हैं कि हमको भेज दिया जाए। और उत्तर प्रदेश के इटावा में एक किसान की आत्महत्या का मामला सामने आया, और मामला इटावा के थाना छाया गांव इलाके के जैतपुर गांव का बताया जा रहा है, और जहां पर किसान ने ही बेटी की शादी में लिए कर्ज को ना चुका पाने के कारण जहर खाकर आत्महत्या कर ली है। और आपको बता दें कि गांव के ही प्रधान से जमीन गिरवी रखकर ब्याज पर 2 लाख रुपए का कर्ज लिया था। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे कार्रवाई शुरू कर दी है। और उत्तर प्रदेश की कानपुर में ट्रेन की बोगी में ही धमाके की यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। और आपको बता दें कि ट्रेन कानपुर सेंट्रल से चलकर भिवानी जाने वाली थी, और कालिंदी एक्सप्रेस शिवराजपुर पहुंची तो वैसे ही जनरल बोगी के टॉयलेट के नीचे लगी बैटरी में धमाका हो गया, और जिससे यात्रियों में भी हड़बड़ाहट मच गई थी, और धमाका इतना तेज था कि यहाँ पर टॉयलेट की ही छत तक उड़ गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। बदायूं जिले की थाना दिनावर में भी एक झोलाछाप डॉक्टर ने 14 साल की मासूम की जान ले ली, और बच्चे की चाचा ने यहां पर बताया कि 14 साल के बेटे पिंकू के ही कुल्हे पर चोट का निशान था, और जिसका इलाज कराने झोलाछाप डॉक्टर के पास पहुंच गए। झोलाछाप डॉक्टर ने पिंकू का ऑपरेशन कर दिया, और जिससे उसकी हालत बिगड़ गई और देखते ही देखते उसकी मौत हो गई है। वहीं बेटे पिंकू की मौत के बाद डॉक्टर फरार है, और जिसके चलते यहाँ पर पुलिस ने भी गिरफ्तार कर लिया गया, और फिलहाल परिजनों ने पुलिस को तहरीर देकर आरोपी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। थाने में एक बच्चा था जो उसको थोड़ी तकलीफ थी, शरीर में परेशानी थी, वो डॉक्टर को दिखाने गया। वो डॉक्टर वास्तव में झोलाछाप था जिसने उसका इलाज किया, इलाज करने तुरंत बाद उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकरण को लेकर परिजनों ने तहरीर दी, तहरीर के आधार पर भी पंजीकृत किया गया है, और इसमें सीएमओ साहब से भी मदद ली जाएगी और उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। और लखीमपुर जनपद की पसगमा कोतवाली क्षेत्र में तिलक समारोह के दौरान चल रही हर्ष फायरिंग में एक 11 साल की लड़की की मौत हो गई है, और वहीं दो लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, और मृतक के पिता की यहां पर तहरीर पर ही नामजद मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। रामपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में दो व्यक्तियों ने मामूली बात को लेकर कहासुनी होगी, और जिसके बाद दोनों पक्षों की ओर से भी गोलियां चली हैं, और इस घटना को दो लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, और जिसे अस्पताल में ही भर्ती करा दिया गया, और जहां इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई है। फिलहाल शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया। आज एक युवक अपनी दुकान से बंद करके जा रहा था, तो रास्ते में दूसरे युवक के साथ में झगड़ा हुआ, उसी दौरान दोनों के घर वाले आ गए जिसमें फायरिंग हुई, जिसमें दोनों ही पक्षों के एक एक व्यक्ति की डेथ हो गई, अर्थात दो मर्डर हो गए हैं। अभी घटनास्थल पर शांति है, किस तरह कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी जो विधिक कार्रवाई है उसको संपन्न कर। आगरा के अजी गांव यहां पर पास हुई लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, और जहां एक पाइपलाइन DCM अनियंत्रित होकर पलट गया, आज इससे 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, और वहीं 12 से ज्यादा लोग घायल हुए और जिन्हें ट्रामा सेंटर में भर्ती करा दिया है। और आपको बता दें कि बस दिल्ली से बिहार जा रही थी और तभी यह घटना घटित हुई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते हैं लाइव 24। नमस्कार।